नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़ और इस समय मैं हूं बुलंद शहर में। और यहां पे आप बाग में देख रहे हो काफी डंप लगी हुई हैं। और तो अभी ये किसान भाई हैं, इनसे अभी हम बात करेंगे तो जानेंगे यहां पे डंप का क्या हाल है। तो नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार जी। बस थोड़ा तेज बोलना। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो डंप लगी हुई है, तो ये आपने खुदाई कब की थी आलू की? ये होरी से पहले। होरी से पहले? तो होरी से पहले का ही डंप लगा हुआ है यहाँ पे। तो आपने कितना आलू किया था इस बार? 50 बीघा। 50 बीघा। तो ये पूरा डंप है कि कुछ बेच दिया था पहले? ना, पहले बेच दिया था। पहले क्या रेट में बेचा था? 7-8 में बेच दिया था। 7-8 रुपए किलो में। और अब क्या रेट चल रहा है? अब 11-11.5 ऐसे 10। अच्छा, 10-11 रुपए किलो। तो ये जो अभी ट्रैक्टर है, ये तुम्हारा ही है क्या? हमारा। ये क्या रेट बेचा है? ये 10-10.5। अच्छा, 10.5 रुपए किलो। तो रेट डाउन हो गया थोड़ा हल्का सा। अच्छा, तो अभी ये डंप तुम्हारी है जो बची है? ये हमारी है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने किसानों की डंप है ये? ये तो कई किसान। कितना आलू होगा लगभग? कितना होगा डंप में ये यहाँ पे? 4-5 आदमी के डंप। ना ना, कितना टोटल कट्टे होंगे लगभग अंदाज से? अब ऐसे का गिनती थोड़ी करी है मैंने किसी ना, फिर भी अंदाज से होंगे 8-10 हजार। हाँ, इतने ही होंगे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे डंप कितने परसेंट अभी बाकी है? यहाँ से उठाई कब है? ज्यादा नहीं उठाया अभी, थोड़ा बहुत ही। अच्छा, अभी स्टार्टिंग हुई है यहाँ पे। तो वैसे आपके करोरा में सभी किसानों की में डंप है? हाँ, ज्यादातर डंप लगाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो माल जा रहा है ये मंडी के लिए है कंपनी के लिए? कंपनी के लिए। तो यहाँ पे सभी किसानों का कंपनी का माल जाता है। और कौन सा आलू था ये? चिप्सोना। चिप्सोना 1-3। चिप्सोना 1। अच्छा, चिप्सोना 1 और 3। तो आपने ये कितना बेच दिया अब तक? ये 25 बीघा का तो पहले बेच दिया था। ठीक है, 25 बीघा का सा रह गया। अच्छा, ये कितना हो रहा है ये अभी? अभी तो ये 100 कट्टे से रह गए, 100 इसमें भर गए, 100-125। अच्छा अच्छा, मतलब धीरे धीरे बेच रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे। तो ये बताओ, यहाँ पे बारिश पड़ी थी बीच में? हाँ, पड़ी थी। तो बारिश से क्या नुकसान हुआ था यहाँ पे ना? हाँ, नुकसान हुआ था। अच्छा, बारिश से फिर कैसे आपने बचाया? ये खोद के लगा दिया डंप में। हाँ, उसके बाद में है पिन्नी और ये सब। अच्छा, ये पॉलीथीन जो लगी हुई है ये इसी के लिए आपने लगाई थी? अच्छा अच्छा। तो आपको ये बताइए, आपने बीज भी इसमें से रखा होगा? हाँ, रखा है। वो कोल्ड में डाल दिया? वो कोल्ड में साथ। अच्छा अच्छा, तो ये सब आप बेचने वाला आलू है टोटल? बिल्कुल। अच्छा, तो और कौन सा आलू? सब चिप्सोना? सब चिप्सोना 3-1। 3 और 1। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो तो ठीक है किसान। ठीक है ताऊ जी, है ठीक है। तो थोड़ी अभी ये डंप और देख रहे हैं तुम्हारी। बिल्कुल। तो ये देखो भैया, इनकी ये डंप है और ये थोड़ी सी बची है इनकी, और यहाँ से ये खाली हो रही है। और आम के बागों में ये डंप लगी हुई है, और इस तरह का आलू यहाँ पे ये छटाई होके जा रहा है। ये गुल्ला साइज है, ये देखिए। ये थोड़ा सा आलू यहाँ पे ये दागी सा भी हो जाता है, और ये आलू आप देख रहे हो ये गुल्ला साइज है ये। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे बहुत किसानों की डंप है, पैकेट में लगे हुए हैं ये, जो कि आप देख पा रहे हो। तो मैं अभी आपको और वीडियो और दिखाऊंगा मैं बुलंद शहर में, जो कि आप देख पा रहे हो। तो ये देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे जो डंप है, काफ़ी ज़्यादा डंप लगी हुई हैं। और किसान भाइयों से अभी जानकारी हमने ली है, ये ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए, और बाकी जानकारी मैं आपको अभी और दूंगा। यहाँ पे मैं अभी और देखने जाऊँगा डंप, और मैं अभी फ़िलहाल बुलंद शहर के सभी किसान भाइयों से जानकारी लूँगा यहाँ पर। तो नमस्कार किसान भाई, वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, थैंक यू।